हम अक्सर सोचते हैं कि हम अभी इस वक्त वर्तमान में जिस परिस्थिति में हैं, वही हमारे जीवन का सत्य है और हमारा कल भी यही होगा। पर ये हकीकत नहीं है। इस समय, इस पल में, इस क्षण में आप जिस परिस्थिति में हैं, वो आपके अतीत का नतीजा है। यानी जो विचार आपने पहले रखे थे, जो कार्य आपने उस समय किए थे, उन सब का नतीजा आपका वर्तमान है। जिस भी परिस्थिति में हम आज हैं, हम उसको ज़रूर बदल सकते हैं। कल क्या होगा, ये हमारे हाथ में हमेशा रहता है। ज़रूरत है तो सिर्फ सही विचार, तसव्वुर की। देखिए कि किस तरह से आप अपने आने वाले कल को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, और उस अंतिम विचार को, उस अंतिम दृश्य को अपने अंदर समा कर अपने सारे कार्य को उसी दिशा में केंद्रित कर दीजिए। सिर्फ ये चाहिए हमें एक बेहतरीन कल बनाने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम अपने मन को पहले शांत करें, उन विचारों से मुक्त हों जिन्होंने हमें बंधी बना के रखा हुआ है। जो आप कल तक थे, ज़रूरी नहीं कि कल भी वही होगे। उस बड़े बदलाव के लिए ज़रूरी है अपने मन के बदलाव को लाना। तो आज से ही चुनें कि किस तरह आप अपने आप को भविष्य में देखते हैं, कि क्या आप अपने आप को एक संपूर्ण, स्वस्थ, खुश मिजाज इंसान देखते हैं। तो आज अभी इसी वक्त से उसे अपने हाव भाव में लेकर आ जाइए और देखेंगे आप कि जल्द ही आपके विचार, आपके मनस्थिति और आपके वातावरण में, आपके जीवन में कुछ नए बदलाव आने लगे हैं। इस तसव्वुर के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ ध्यान में बैठें और आने वाले उस कल को देखें, उसका ध्यान करें जो अभी प्रकट भी नहीं हुआ है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, कमर को सीधी रखें और चेहरे पर एक मन सी मुस्कान ले आइए। और आंखें बंद करके हम अपने आने वाले कल का ध्यान करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को एक नए रूप में ढाल सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोक लीजिए, और इस सांस को अब मुंह से छोड़ते हुए शरीर को हल्का होने दीजिए, ढीला छोड़ना शुरू करिए। अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाएं और देखिए कि अब अपने पैरों को आप ढीला छोड़ सकते हैं। सारा ध्यान अब अपने कमर के निचले हिस्से पर ले जाएं, पेट पर ले जाएं, और किसी भी तरह का तनाव इस हिस्से में हो तो इसको अब ढीला छोड़ दें, शांत होने दें। अब अपना ध्यान अपनी छाती पर ले जाएं, कंधों पर ले जाएं, पीठ पर ले जाएं। यहाँ भी किसी भी तरह का तनाव हो तो सांस छोड़ते हुए उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हल्का होने दें। देखिए कि आपके हाथ, आपकी बाजू ज़मीन की तरफ बहे जा रही हैं, रक्त संचालन नियंत्रित होता जा रहा है। अपना ध्यान अपने दिल की धड़कन पर ले जाएं। लंबी गहरी सांस भरते हुए देखिए कि ये धड़कन भी अब नियंत्रित हो रही है, शांत हो रही है। इस धड़कन को सुनने की कोशिश कीजिए। अपना ध्यान अपने जबड़े पर ले जाएं, चेहरे पर ले जाएं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने जबड़े को, दांतों को भींचे नहीं, चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। माथे पे किसी भी तरह का तनाव हो तो उसे छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें बिल्कुल। देखिए कि आपका दिमाग भी अब शांत होता जा रहा है। जो भी काम ये करना चाहता था वो अभी रुक सकता है, तो अपने दिमाग को भी इजाज़त दीजिए कि वो शांत हो जाए और इस पल में समा जाए। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस को अपने दिमाग तक जाने दीजिए, और सांस छोड़ते हुए देखिए कि कोई भी तनाव है आपके मस्तिष्क में तो अब वो बिल्कुल बाहर जा रहा है आसानी से। अपने चारों ओर देखिए, एक तरह की शीतलता बहने लगी है। बाहर की कोई भी आवाज़ आपको और गहरे ध्यान में ले जाएगी।
सांस को महसूस कीजिए, वो कहाँ तक जा रही है, पेट के निचले हिस्से तक जा रही है या नहीं। और अगर अभी भी कोई तनाव बचा है तो सांस को मुंह से छोड़ते हुए शरीर को और हल्का होने दें, पूरी तरह से इस पल में आ जाएं। अपने हृदय चक्र पर ध्यान दें, छाती के ठीक बीच, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने के इस प्रयास में हम स्वयं को शांत रखेंगे। किसी भी तरह के जवाब अगर हमारी अंतरात्मा दे तो हमें उसे एक खुले दिमाग से सुनना है, हमें उसे कोई जवाब नहीं देना। और अब पूछिए उस अंतरात्मा से, मैं कौन हूँ, मैं किस महानता में पैदा हुआ था, क्या मैं जो अब हूँ मैं उसी के लिए बना था, या मेरे जीवन में और भी खूबसूरत पल लिखे हैं, क्या मेरे अंदर और शक्ति है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपने उस सक्षमता तक पहुँच सकूँ जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। अगर वो परिस्थितियाँ ना घटी होती जो घटी थी, तो मैं किस रूप में अपने आप को देख सकता हूँ। ये जानने के बाद उन सारी परिस्थितियों को स्वीकार करें जिससे आप गुजरे हैं, जिससे आप आज नाखुश हैं, और उन परिस्थितियों को भी शुक्रिया अदा करें। उनकी वजह से आपको कई सारी नई सीख मिली है। हम उन्हें बदल नहीं सकते, मगर उसके असर को आज हम बदल सकते हैं। वो अब ख़त्म हो चुकी हैं और उसके असर को भी ख़त्म होने की ज़रूरत है। उस पाठ को, उस भाग को अपने जीवन से अब अलविदा कह दें और सांस से जुड़कर अगली सांस के साथ उसे अपने शरीर से और दूर जाने दें, और दूर जाने दें। वो छवि जो आपने आज तक अपनी रखी है, आज से उसको बदलने की ज़रूरत है। और क्या क्या आप अपने अंदर भरना चाहते हैं, क्या काबिलियत, क्या रुतबा, क्या मिजाज आप आज से अपना रखना चाहते हैं, उसे देखिए, अपनी अंतर्दृष्टि से देखिए, अपने अंतर्मन से सुनिए, महसूस कीजिए कि वो अब हो सकता है, आप उसे हासिल ज़रूर कर सकते हैं। और इस ध्यान के सहारे से आप हर दिन उस छवि की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और एक दिन आप वो छवि बन जाएंगे जो आप सदा से बनना चाहते थे। चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान ले आइए, एक लंबी गहरी सांस भरते हुए देखिए, एक नई ऊर्जा आपके पूरे शरीर में दौड़ रही है, आपके चेहरे पर एक नया तेज प्रकट हो रहा है। आप हर वक्त अपने वातावरण से जुड़े हैं, आपका दिमाग हमेशा जागृत है, और इस ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे, इसका पूरा फायदा हम उठाएंगे। और जब जब हम इस ध्यान को करेंगे, हम अपनी उस छवि की तरफ रोज आगे बढ़ते जाएंगे। पूरी ऊर्जा के साथ शरीर में वापस आइए, अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, और अब इसे अपनी आंखों पर रखते हुए एक खूबसूरत मुस्कान के साथ आंखें खोलिए। और स्वागत है आप।